हाय दोस्तों, मैं हूं तौकीर आलम और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल TRY। दोस्तों, आज मैंने जो टॉपिक आपके लिए लेकर आया हुआ है वो बहुत दिलचस्प है और कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर, मीट टू पर, मीट टू बी पर और मीट टू है पर एक वीडियो बनाइए, इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। तो मैं आज उनकी कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीट टू के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे मीट टू बी के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे मीट टू हैव के बारे में। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं मीट टू क्या होता है और हमें इसका किस कंडीशन में यूज करना है। क्या सिचुएशन होते हैं कि हमें मीट टू बोलना होता है? फ्रेंड्स, जब हम किसी इंसान की उसकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाते हैं या उसकी जिम्मेदारियों को बताते हैं कि तुम्हारा काम ही है ये करना, तो हम मीट टू का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए एक नौकर है, मैंने उसे कहा कि ये काम करो और वो करने से इनकार कर दिया, तो मैं उसकी जिम्मेदारियों को एहसास दिलाते हुए कहूंगा, नौकरों का काम ही है सेवा करना। अगर एक बावर्ची है और वो खाना नहीं पका रहा, तो मुझे उसके जिम्मेदारियों का एहसास दिलाते हुए कहना होगा कि बावर्ची का काम ही होता है खाना पकाना। कई बार ऐसे वाक्यों को हम ऐसे भी कहते हैं, बावर्ची का काम खाना पकाना ही तो होता है, डॉक्टरों का काम इलाज करना ही तो होता है, अध्यापकों का काम पढ़ाना ही तो होता है, पुलिस का काम लोगों को सुरक्षा देने का ही तो होता है, यानी एक पुलिस का काम सुरक्षा देना ही तो है। तो ऐसे सिचुएशन में जब हम किसी इंसान के उसके जिम्मेदारियों का एहसास दिलाते हैं कि ये आप ही को करना है, ये काम आप ही का तो है, तो हम मीट टू का यूज करते हैं। कैसे करते हैं, चलिए एग्जांपल के जरिए समझते हैं। तो चलिए देखें इसे कैसे बोलना है और कैसे ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले ट्रांसलेशन पर फोकस करते हैं। अध्यापकों का काम पढ़ाना ही तो होता है। ट्रांसलेशन का ट्रिक तो मैंने आपको पहले ही बताया है और मैंने अपने ट्रिक पर 22 वीडियोस भी बनाए हैं जो अलग अलग टेंस अलग अलग लेसन से है। तो अगर आप मेरे ट्रिक के बारे में नहीं जानते हैं तो आप कोई भी पार्ट उठाइए, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 22 तक देखिए, आपको ट्रिक के बारे में पता चलेगा कि अगर आपको ग्रामर नहीं आता, आप अंग्रेजी में बहुत ही कमजोर है, फिर भी ट्रांसलेशन का काम, अंग्रेजी बोलने का काम बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आइए मैं उसका नमूना यहाँ पर आपको दिखला रहा हूं। अध्यापकों का काम पढ़ाना ही तो होता है। पहले मैं आपको मीनिंग क्लियर कर रहा हूं। अध्यापक यानी टीचर्स है, मतलब इज आर एम, सब्जेक्ट के हिसाब से कभी इज कभी एम कभी आर का यूज होता है। हालांकि मैं इस टॉपिक पर सेपरेट वीडियो बनाया हुआ हूं, आप पार्ट 6 देखिए अगर आपको कंफ्यूजन है तो। और ही तो होता यानी मीट टू, यही वो शब्द है जिसे हम उसको एहसास दिलाते हैं। और पढ़ाने के काम को इंग्लिश में कहते हैं टीचिंग। आइए अब इसको ट्रांसलेट करते हैं, अध्यापकों यानी टीचर्स। आइए पीछे चलते हैं और पीछे से अंग्रेजी लिखते हुए धीरे धीरे आगे की ओर आएंगे। है का अंग्रेजी लिखा जाएगा आर, यहाँ टीचर प्लूरल वर्ड है इसलिए हम आर का यूज करेंगे। और होता है मीट टू, पढ़ाने का काम यानी टीच, टीचर्स आर मेंट टू टीच, मतलब हुआ टीचरों का काम पढ़ाना ही तो होता है, या टीचर का काम ही क्या है, पढ़ाना ही तो है। आइए अब दूसरे वाले हिस्से को ट्रांसलेट करते हैं, डॉक्टरों का काम इलाज करना ही तो होता है, या डॉक्टरों का काम ही क्या है, इलाज करना ही तो है, डॉक्टर्स। आइए हमने सबसे पहले वाले शब्द का अंग्रेजी सबसे पहले लिखा और अब हम पीछे चलेंगे, पीछे से अंग्रेजी लिखते हुए आगे की ओर आएंगे। सबसे लास्ट में लिखा हुआ है उसका अंग्रेजी होगा आर। और आगे आइए, ही तो होता है मतलब मीट टू, और आगे आइए इलाज करना या इलाज करने का काम, तो इसको इंग्लिश में ट्रीट या क्योर कहते हैं। मैं ट्रीट लिख रहा हूं, डॉक्टर्स आर मीट टू ट्रीट। और ये वाक्य क्लियर हुआ, इसका मतलब हुआ डॉक्टरों का काम इलाज करना ही तो है। आइए इस वाले हिस्से को ट्रांसलेट करते हैं,
नौकरों का काम सेवा करना ही तो होता है, या नौकरों का काम ही क्या है, सेवा करना ही तो है सर्वेंट। और हम पीछे चलेंगे, हाइट अंग्रेजी होता है आर। रूरल वर्ल्ड में हम आर का यूज करते हैं, सिंगुलर के साथ इच का यूज करते हैं, जबकि आई के साथ एम का यूज करते हैं। होता है का अंग्रेजी होगा मीन टू, और सेवा करने का काम को इंग्लिश में कहते हैं सर्व। सर्वेंट्स आर मीन टू सर्व, मतलब नौकरों का काम सेवा करना ही तो होता है। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको कंसेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो सके। आइए इसे भी ट्रांसलेट करते हैं। पहला वाक्य है, माता पिता का काम सही राह दिखलाना ही तो होता है। आप अपने लाइफ में कई बार ऐसा सुने होंगे कि अगर कोई लड़का मिसबिहेव करता है या बदतमीजी करता है तो लोग उसके माता पिता को ऐसा कहते हैं कि माँ बाप का काम सही राह दिखलाना ही तो होता है। चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। माता पिता यानी पेरेंट्स, आइए पीछे चलते हैं। है मीन्स आर, और ही तो होता है मतलब मीट टू, इस आरएम के साथ मीट टू होता ही तो है। और राह दिखलाना को इंग्लिश में कहते हैं गाइड, और सही को इंग्लिश होता है वेल। माता पिता का काम सही राह दिखलाना ही तो होता है, पेरेंट्स आर मीट टू गाइड वेल, यानी ये माता पिता की जिम्मेदारी है कि वे अपने बच्चों को अच्छे से गाइड करें, सभी तरीके से तालीम दे। आइए अब हम दूसरे वाले हिस्से को ट्रांसलेट करते हैं। बावर्चियों का काम खाना पकाना ही तो होता है। किसी पार्टी में कोई बावर्ची गुस्से में आ गया और कह रहा है कि मैं खाना नहीं पकाऊंगा, तो हम उसकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाएंगे कि बावर्ची का काम खाना पकाना ही तो होता है, आप नहीं पकाएंगे तो फिर कौन पकाएगा, पकाना तो पड़ेगा आपको। आइए इसको भी ट्रांसलेट करते हैं, बावर्ची यानी कुस। आइए अब पीछे चलते हैं। हाइट अंग्रेजी होता है आर। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो शायद आपको ये पता नहीं चल रहा होगा कि एरो क्या है, तो मैं आपसे कहूंगा मैंने हिंदी वाले वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए दो ऐसा तरीका बनाया है जिससे अगर आपको ज्यादा ग्रामर नहीं आता, आप इंग्लिश में बहुत कमजोर हैं, फिर भी बड़े आसानी से आप वाक्यों को ट्रांसलेट कर पाएंगे। क्या आपने वो कहावत सुनी है, पानी पियो छान के गुरु बनाओ जान के? इसमें कोई शक नहीं कि अगर आपको आपके लाइफ में एक महान अध्यापक मिल जाए तो आप बुलंदियों पर होंगे, ये मेरा आपसे वादा है सर। आइए इसे ट्रांसलेट करते हैं। ही तो होता है मतलब मेड टू, और खाना पकाने का काम को इंग्लिश में कहते हैं कुक, और ये हमारा ट्रांसलेट हुआ। हम चाहते तो ऐसा भी लिख सकते थे कुक फूड, लेकिन बस कुक से ही हमारा काम हो जाएगा, कुक मीन्स होता है खाना पकाना या खाना पकाने का काम। आइए अंतिम वाले वाक्य को ट्रांसलेट करते हैं। छात्रों का काम पढ़ना लिखना ही तो होता है, यानी अगर कोई स्टूडेंट है और खेल कूद ज्यादा करता है तो अक्सर हम उसकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाते हुए कहते हैं कि छात्रों का काम पढ़ना लिखना ही तो होता है, यानी अगर तुम पढ़ते लिखते नहीं तो फिर किस बात का स्टूडेंट। चलिए इसे ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहला वाला वर्ड का अंग्रेजी सबसे पहले लिखिए स्टूडेंट्स। अब हम पीछे चलेंगे, है यानी आर, ही तो होता है यानी मेंट टू, और पढ़ने लिखने का काम यानी स्टडी। स्टूडेंट्स आर मेंट टू स्टडी, मतलब छात्रों का काम पढ़ना लिखना ही तो होता है। यहां हम एक बात और क्लियर करेंगे, अगर इस टाइप के सेंटेंसेस पास्ट में रहे, जैसे माता पिता का काम सही राह दिखलाना ही तो था, यानी यहां हम उनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिला रहे हैं, तो हम आर के जगह पर वाज या वर का यूज करेंगे। बावर्ची का काम खाना पकाना ही तो था, वाज या वर का यूज करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज का यूज होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का यूज होता है। हालांकि मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया हूं, आप पार्ट 7 देखिए अगर आपको जरूरत महसूस हो तो।
अगर ये सेंटेंसेस पास्ट में रहेंगे तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इस आरएफ की जगह पर वाज वर का यूज करना है। आइए अब इन्हें ट्रांसलेट करते हैं। अभी तक हमने सीखा कि मीट टू का यूज क्या है और अब हम सीखेंगे कि मीट टू बी का यूज क्या है, यानी वो क्या कंडीशन होता है जब हमें मीट टू के साथ बी का यूज करना होता है। तो चलिए देखें। आमतौर पर हम सभी जानते हैं कि बी का मतलब होना होता है और मीट टू का मतलब जो अभी अभी हमने सीखा कि जब हम किसी की जिम्मेदारियों का एहसास दिलाते हैं तो हम मीट टू का यूज करते हैं। ऐसे वाक्यों का हिंदी ही तो होता है। तो चलिए देखें कि कैसे ऐसे एक्सप्रेशन को बोलना है और कैसे इन्हें शानदार तरीके से ट्रांसलेट करना है। अध्यापक का काम ज्ञानी होना ही तो होता है, यानी अगर कोई आदमी है जिसको अपने सब्जेक्ट पर पकड़ नहीं है, वो अपने सब्जेक्ट पर माहिर नहीं है, तो हम उसकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाते हुए कहेंगे कि अध्यापक का काम विद्वान होना ही तो होता है, यानी अगर आपके पास सही नॉलेज नहीं तो किस बात का अध्यापक। तो चलिए इसे ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहला वाला का अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे और फिर हम पीछे जाएंगे, पीछे से अंग्रेजी लिखते हुए आगे की ओर आएंगे। अध्यापकों यानी टीचर्स। आइए अब पीछे चलते हैं। हाय का अंग्रेजी होगा आर और ई तो होता है मतलब मीट टू। होना को इंग्लिश में कहते हैं बी, होना यानी बी और ज्ञानी यानी स्कॉलर या वाइज। और आपने इसको ट्रांसलेट किया। आइए दूसरा वाला भी ट्रांसलेट करते हैं। सैनिकों यानी सोल्जर्स। आइए अब पीछे चलते हैं। है यानी आर, ही तो है मेंट टू। होना का अंग्रेजी होता है बी और बहादुर को कहेंगे ब्रैव। और ये ट्रांसलेट हुआ। मेंट टू और मेंट टू बी में फर्क यही है कि मेंट टू में किसी काम को करने की बात करता है, इसीलिए बी का यूज किया जाता है। आइए इसको भी ट्रांसलेट करते हैं। इंजीनियर्स होता है यानी आर, ही तो होता है मतलब मेन टू और होना यानी बी। और रचनात्मक यानी जो रचनाएं करता है, जो कुछ नया सोचता है, जो कुछ हट कर करता है, उसको हम रचनात्मक और इंग्लिश में क्रिएटिव कहते हैं। और ये बड़े आसानी से ट्रांसलेट हुआ। आइए अब मीन टू हैव के बारे में देखते हैं कि जब मीन टू के साथ हैव लगता है तो क्या एक्सप्रेशन होता है, कैसी भावनाएं होती है। तो चलिए यहाँ मीन टू बी और मीन टू हैव में फर्क समझें। आमतौर पर हम सभी समझते हैं कि बी मींस होना होता है, जबकि हैव का मतलब पास होना होता है, कोई चीज पास होना। तो जब हम ये कहते हैं आपको ये होना चाहिए, जैसे आपको डॉक्टर होना चाहिए, आपको इंजीनियर होना चाहिए, आपको एक डांसर होना चाहिए, तो जब मैं ये कहूँ कि आपको ही वो चीज होना चाहिए, आपको ही होना चाहिए, तो हम यूज करते हैं बी। लेकिन जब मैं ये कहूँ कि वो आपके पास होना चाहिए, जैसे अगर मैं कहूँ कि आपके पास एक डॉक्टर होना चाहिए, आपके पास एक नेता होना चाहिए, मतलब आपको नेता होने की जरूरत नहीं है, आपको डॉक्टर होने की जरूरत नहीं है, आपके पास होना चाहिए, तो पास होने के लिए हम बी की जगह पर हैव का यूज करते हैं। जैसे अगर मैंने आपको देखा आप बहुत अच्छे शॉट लगाते हैं, बहुत अच्छे क्रिकेट खेलते हैं, तो मैं कहूंगा आपको एक क्रिकेटर होना चाहिए, यानी क्रिकेटर आप ही को होना चाहिए, यहाँ बी का यूज है। लेकिन अगर मैंने आपको एक दिन देखा कि आप इंग्लिश को लेकर बड़े परेशान हैं, तो मैं आपसे कहूंगा आपके पास एक अध्यापक होना चाहिए या आपको एक अध्यापक होना चाहिए, यानी आपको अध्यापक बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके पास कोई होना चाहिए जो अध्यापक हो। तो जब पास होने की बात करते हैं तो हम हैव का यूज करते हैं। सेंटेंसेस पे गौर करिए। अध्यापक मतलब ज्ञानी होना ही तो होता है, यानी अध्यापक का मतलब होता है कि ज्ञानी होना, रखने की बात नहीं कर रहा है, खुद की बात कर रहा है कि ज्ञानी होना ही तो होता है। लेकिन यहां देखिए, अध्यापक मतलब ज्ञान रखना ही तो होता है,
रखना, यह रखने की बात कर रहा है, इसलिए हम बी के जगह पर हैव का यूज करेंगे। चलिए अब मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं और आप बताइए यहां बी लगेगा कि हैव लगेगा। सैनिक का मतलब बहादुर होना ही तो होता है, क्या यहां यूज करेंगे हैव या बी? बिल्कुल सही, यहां बी का यूज होगा, यहां खुद की बात हो रही है कि आप ही को बहादुर होना है। लेकिन अगर मैं कहूं कि सैनिक का मतलब बहादुरी रखना ही तो होता है, तो बहादुरी रखना यहां पर हम हैव का यूज करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको मीट टू, मीट टू बी और मीट टू हैव का यूज समझ में आया होगा। प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आता है। फिर मिलेंगे एक नए लेसन के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए।